आई थिंक ये हम लोग के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, नेशनल लेवल टूर्नामेंट, प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जो 1941 में स्टार्ट हुआ था, इट इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन अरुणाचल फॉर द फर्स्ट टाइम, फरवरी 21 से स्टार्ट हो रहा है। इस बार हम लोग लखीरी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल 77th एडिशन संतोष ट्रॉफी यूपिया ईटानगर भवनपारे में करने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। सो आई एम बीइंग ए कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 6 ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो वेलकम दिस डिसीजन। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम हमारा स्टेट में, सिटी में ये संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट कंडक्ट करने जा रहा है। और जहाँ तक सुनने है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया से 12 टीम्स जिसमें से क्वालिफाइड हुआ, और उसमें हमारा लकीली अरुणाचल टीम जो एज ए होस्ट टीम और जिसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा जो हमारा अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो अंदर द प्रेसिडेंट लीडरशिप हमारा सीएम साहब और उसका जनरल सेक्रेटरी हमारे कीपा अजय और कीपा ताकुम, इन लोगों का दौरा से जो इनका टीम सारा टीम जो ईटानगर में होस्ट करने जा रहा है, और मैं सभी जो पार्टिसिपेंट जो 12 टीम्स जो 12 स्टेट से जो पार्टिसिपेंट करा, इन लोगों को जो विश करता है जो प्लेयर्स को और उनका जो कोच को टीम मैनेजर को कि अच्छा से अपना टीम ऑफ स्पिरिट अच्छा से देखा है और खेल जो अच्छा से हमें देखा ना। जितने भी एथलीट्स हैं यहाँ का स्पोर्ट्स पर्सनस है, इसको उत्सव जैसा हम लोग मान के यूपीआई स्टेडियम में हम लोग विटनेस करने जाना है, क्योंकि वेरियस स्टेट से हमारा जितने भी स्टेट से ऑल ओवर द कंट्री सब लोग अपने अपने टीम को लेके आ रहा है, और हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी है कि हम इन लोगों को वेलकम करना है और हमारा हॉस्पिटलिटी दिखाना है। इस बार जो संतोष ट्रॉफी जो अरुणाचल में होने वाला है, तो इसी के लिए आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता है मेरा तरफ से। संतोष ट्रॉफी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है इंडिया में, जो कि इस बार फर्स्ट टाइम अरुणाचल में होने वाला है। और अरुणाचल के लिए और एक हिस्ट्री है कि अरुणाचल इस बार फर्स्ट टाइम फाइनल राउंड्स में खेलेगा, जो कभी नहीं हुआ है, और इस बार 77th एडिशन है। सो इसलिए हम लोग अरुणाचल वासी उसको दिल से स्वागत करना है। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू ऑल द अरुणाचलीज इन द अरुणाचल गवर्नमेंट इन द अरुणाचल फुटबॉल फेडरेशन कि मतलब इस बार जो संतोष इतना बड़ा इंडिया का इतना बड़ा ट्रॉफी है, उसको मतलब वो ट्रॉफी को मतलब यहाँ ना अरुणाचल में हेल्प कर रहा है, उसका लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट करेगा। उसके बाद एक्साइटमेंट बोलने से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड हम लोग भी फुटबॉल एक खेला है, इतना प्रोफेशनली नहीं बोलने से भी मतलब गली फुटबॉल तो खेला है, तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड है बाहर का प्लेयर्स लोग को। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट टीम्स लोगों ना हम लोग अरुणाचल में देखेगा। एक्साइटेड तो बहुत है, सबसे आगे तो हम वही बोलना है मतलब हम लोग का अरुणाचल स्टेट को भी कि हम लोग भी एक बढ़ावा दे रहे हैं अपना फुटबॉल उसको, तो हम लोग भी एक बचपन से खेलता था लेकिन इतना प्रोफेशनली वही नहीं खेल पाया, तो अभी जैसे यंग जनरेशन लोग के लिए भी अभी अच्छा मौका है ये सब, और गवर्नमेंट लोग और वो देने प्रमोट करने से स्पोर्ट्स ये सब स्पेशली फुटबॉल को। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अलग अलग स्टेट से भी यहाँ में खेलने आ रहे, और हमारा जो प्रिविलेज है कि हम लोग ये बार अरुणाचल जो है होस्ट कर रहे हैं। जो हमारा जो राजीव गांधी स्टेडियम नाहरलगन और उसके बाद में गोल्डन जुबली जो आउटडोर स्टेडियम यूपीआई में, वेरी नाइस वेन्यू बोथ ऑफ देम, वहाँ होने जा रहे हैं। एंड ये वेरी हिस्टोरिक है, एंड आई एम ऑल्सो एज ए नॉट ओनली एज ए जर्नलिस्ट एज ए फुटबॉल फैन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज कि अरुणाचल में लोग सब फुटबॉल के लिए बहुत क्रेजी है, बट हम लोग को इतना साल तक इस तरह का नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट है, आई थिंक वी विल डिवॉइड अ बिट, तो अभी फाइनली एक होने जा रहा है। एंड
इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आई थिंक हम लोग ग्राउंड का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि एक आप जब नेशनल लेवल का इवेंट करते हैं तो एक सर्टन स्टैंडर्ड्स होता है, वो स्टैंडर्ड को हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए आई थिंक हम लोग का अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जो यूपीआई का जो स्टेडियम है उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। दे आर लेइंग ए वेरी वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोटर्फ लगा रहा है राजीव गांधी स्टेडियम नाहरलगुन, जहाँ पर वो भी एक वेन्यू है। आई हर्ड दैट वो ट्रेनिंग वेन्यू भी होगा। एंड इस तरह का होके जो फुटबॉल का स्टैंडर्ड एंड वो बढ़ेगा, एंड प्लस अमंग द यूथ्स क्या होता है कि आजकल का हमारे हमें देख रहे हैं कि like, you know what, youths are going astray in so many ways, but I think games is the best way to, you know, to engage them, and nothing better than football because football बहुत popular है। और ये football जो है काफ़ी अभी रोल हम लोग को यंग जनरेशन को, यूथ्स लोग को काफ़ी इंस्पिरेशन, काफ़ी मोटिवेट, काफ़ी अलग लेवल में ले जा रहा है अरुणाचल यूथ्स को। स्पेशली मेरा एक छोटा भाई भी है ग्यामर निकुम, वो मुंबई FC क्लब की तरफ से अभी खेल रहा है, वो काफ़ी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और खास करके हमारा ईटानगर और जो अरुणाचल का जो जनता को भी अपील करता है कि आप लोग ये गेम को भी पार्टिसिपेट, आप लोग एज स्पेक्टेटर जो हम लोग ऑडियंस बन के देखना चाहे, और ये जो नेशनल लेवल खेल है तो हम हर कोई जो हम लोग उसके अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग खेल देखने के जाना है। और बधाई देता है कि इनका प्रयास से, इन लोग का प्रयास से और इन लोग का मेहनत से इतना प्रेस्टिजियस जो संतोष ट्रॉफी है फर्स्ट टाइम जो कि 77 एडिशन है वो हमारा स्टेट में ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मैं सबको अपील करता हूँ कि और सबको शुभकामना देते हुए मैं अपना ओर से, अपना स्टेट का ओर से, हमारा फैमिली की ओर से मैं सबको विश करता हूँ, सब लोग आइए और इसको विटनेस कीजिए और हम लोग इसको उत्सव जैसा मनाने से अच्छा है, क्योंकि हमारा अरुणाचल को ड्रग फ्री स्टेट बनाना है और हमारा यंगर जनरेशन्स को हमें स्पोर्ट्स की ओर जाने देना है। और मेरा जो एक स्पेशल एक थैंक यू है स्पेशली हम लोग का जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है श्री पेमा खांडू सर को, जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, और हम लोग का जो जनरल सेक्रेटरी श्री कृपा अजय, जो हम लोग का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ट्रेजरर भी है। तो उन दोनों का मेहनत और उनका जो अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का जितना मेंबर्स का मेहनत का वजह से अरुणाचल में फर्स्ट टाइम ये संतोष ट्रॉफी आया है। इसके लिए हम लोग एज ए फुटबॉलर और एज ए स्टेट वाइड आप सबको, आप जितना भी टीम है जो फुटबॉल एसोसिएशन का, आप लोगों को थैंक यू बोलता है। वी आर वेरी एक्साइटेड। आई होप जितना भी हमारा स्टेट का, सिटी का, जितना भी फुटबॉल लवर्स है, आप लोग एक्सपेक्टेड और सबसे पार्टिसिपेट करेगा। मैं अपना जितने भी स्टेट टीम जो यंग फुटबॉल प्लेयर जो पार्टिसिपेट करने जा रहा है, मैं इनको इस प्रेस्टिजियस संतोष ट्रॉफी जो इन लोग भागीदारी लेने जा रहा है, इनको मैं बेस्ट ऑफ द विश, बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं। और मैं अपना स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो दादर अपा है और इनका टीम को भी और जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का जो ट्रेजरर है कृपा अजय को भी बधाई देता है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हैव अ ह्यूज इंपैक्ट टू यंग जनरेशन होगा, और देख इंस्पायर हुआ कि हम लोग का इतना बड़ा बड़ा प्लेयर को जब अपने आंख के सामने या खेलते हुए देखेगा तो दे विल लर्न फ्रॉम इट एंड और यू नो दे वांट टू टेक अ फुटबॉल एज ए करियर होगा। एंड प्लस ये भी हो कि हमारा स्टेट का प्लेयर के लिए भी एक अच्छा मौका है कि टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द होम ग्राउंड में दिखा सकते हैं कि ये इस तरह का परफॉर्मेंस की वी कैन कम्पीट विद द बेस्ट। एंड आई होप कि ये जो एक शुरुआत है संतोष ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है, इसका जो लेगेसी ये रहेगा कि हम लोग फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे इम्प्रूव कर सकता है। एंड नंबर टू कि जो ट्रेनिंग्स होता है, हम लोग का बस लकी है कि आज हमारे जो स्टेट का जो फुटबॉल एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी जनरल है, वो AIF का ट्रेजरर है, उसका जो क्योंकि ही हैज कनेक्शन ऑल ओवर दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा में भी है, तो उसका भी हम लोग को एक एडवांटेज मिलेगा इस टूर्नामेंट के जरिए। और साथ ही साथ में अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन को भी मैं विश करना चाहूँगा और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी कि आप लोग जितना से ज़्यादा हमारा जो बाकी जो टीम पार्टिसिपेट जो बाकी स्टेट से जो आ रहा है उसको हम लोग वार्मली रिसीव करना है, वेलकम करना है, और एक नया एक ट्रेंड एक नया एक लेवल पे होस्ट करना है।
सो दैट कि एक वाइडली एक पॉजिटिव मैसेज ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फुटबॉल लवर्स के लिए जाना है। और हम लोग का जो ग्रुप में इस बार अरुणाचल का साथ में असम है, गोवा है, मेघालय है, सर्विसेज और केरला है, जो कि अपना अपना जगह में अपना अपना पूल को चैंपियन करके आया है। और उन लोग का अपना फुटबॉल का हिस्ट्री बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है और बहुत मतलब इनहेरिट है उन लोग का, उन लोग अच्छा खेलता है। तो हम स्पेशली जितना अरुणाचल वासी को सभी को रिक्वेस्ट करता है कि इस बार जो 21st जो फरवरी को हम लोग ओपनिंग मैच होगा गोवा का अगेंस्ट में, इसके बाद में आप लोगों सभी को रिक्वेस्ट है कि यूपीआई गोल्डन जुबली स्टेडियम में सब फुल होना है। आप लोग आइए, आने के बाद में अपना टीम को चेयर कीजिए। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यू नो हम हमेशा सुनते हैं कि गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड यू नो ऑल दिस एक्टिविटीज। आई गेस दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू शोकेस कि दे व्हाट दे रियली मीन। जो अगर ये टूर्नामेंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसका जो इम्पैक्ट हमको लगता है कि बहुत सारा लगा, इट विल बी ह्यूज लेगेसी एक रहेगा स्टेट में, क्योंकि ये एक हम लोग को ये कॉन्फिडेंस भी दे वी कैन ऑर्गेनाइज टॉप लेवल टूर्नामेंट, टॉप लेवल जो स्टेट लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया। अगर हम संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कर सकते तो कल हाँ वी कैन ऑल्सो क्लेम कि हम लोग नेशनल गेम्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद में जो इंडियन सुपर लीग का उसका एक दो मैचेस भी हम लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का हम लोग यहाँ ईटानगर ऑर्गेनाइज, ये भी हमको एक कॉन्फिडेंस होगा। तो वी कैन सी सो मेनी यू नो एडवांटेज ऑफ इट एंड एज अ फुटबॉल फैन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई होप जी फरवरी 2021 को ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टर्न अप इन यूपीआई स्टेडियम में, बहुत लोग आएंगे देखने के लिए। एंड हम सबको अपील करते हैं कि आइए, लेट अस गो एंड सपोर्ट आवर टीम अरुणाचल एंड सपोर्ट द फुटबॉल इन जनरल। और एक मेरा एक और एक अपील रहेगा कि सिंस हम लोग फुटबॉलर्स का जान होता है ऑडियंसेस, आप लोग का प्यार सपोर्ट, आप लोग का क्रिटिसिज्म ही आप लोग का फुटबॉल का डेवलपमेंट में काम आता है। तो आप लोग जैसा भी आना है यहाँ पे, और हम एज ए फुटबॉलर संतोष ट्रॉफी को लेके बहुत एक्साइटेड है। क्यों बोलने से, क्योंकि ये अभी का समय में आईएसएल और आई लीग को छोड़ के संतोष ट्रॉफी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत सारा प्लेयर को इंडियन टीम में और जो बड़ा बड़ा आईएसएल और आई लीग क्लब में मतलब सेलेक्शन का चांस होता है। तो इसमें स्टेट का जितना ऑल इंडिया सब का अच्छा अच्छा प्लेयर आएगा देखने के लिए। तो जो बडिंग फुटबॉलर से स्टेट का, आप लोग भी यहाँ में आना है, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद में ये 77th है, फर्स्ट टाइम अरुणाचल में हो रहा है। तो मतलब आप लोग को सभी को रिक्वेस्ट है और जितना भी यहाँ का जनता है सभी को रिक्वेस्ट है, आप लोग आके जो 12 टीम्स है पार्टिसिपेट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। इसके बाद में हम होप करता है कि मतलब हम लोग का अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल टीम है इस बार वो अच्छा पार्टिसिपेट करेगा और अच्छे से खेलेगा और इसके बाद में टूर्नामेंट का एक हकदार बनने के लिए।